तो फिलहाल इसके पर कट कर दिए, अभी हम जाते हैं जी, इनकी भीड़ आके आए बच्चे आने। ओए ओ तेरी, ओ ले आएगा आएगा आएगा, आई थिंक लो जी। एक तो यहाँ है, दिख रही है ये ईंट के ऊपर है, अभी आप देखेंगे पेट इनका भरा हुआ है वैसे तो। ओए कहाँ फंस गया, करो पास से शॉक करो जी। चिड़िया की बड़ी प्यारी सी आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ से। मैंने देखा कबूतर यहाँ है, वो देखो दोस्तों बड़ी सुंदर प्यारी चिड़िया, देखो जी। देखो ये मुर्गी कहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पर, इसको मैं वापस यहाँ छोड़ देता हूँ जी। चलो जी, खाने को इनको अंदर ही रख दिया दोस्तों, अभी ये मजे मजे में घूम रहे थे इधर उधर, मैंने चलो अंदर ही रख देता हूँ। एक चिड़िया की बड़ी प्यारी सी आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ से। मैंने देखा कबूतर यहाँ है, वो देखो दोस्तों बड़ी सुंदर प्यारी चिड़िया, देखो जी। कुछ नए नए परिंदे देखने को मिल रहे छत पे दोस्तों आजकल, अब बड़ा ही, वो देखो इसकी आवाज सुनी आपने दोस्तों, वो चली गई। बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर चिड़िया थी और अभी भी उसकी आवाज आ रही है। मैं सोचू पता नहीं आवाज कहाँ से आ रही, कबूतर ऊपर बैठ गया था। तो इस तरह के नए नए परिंदे कैप्चर एक दो बार तो ऐसा हुआ दोस्तों, इतनी सुंदर चिड़िया थी, उसमें जिस तरह मोर में कलर जो होते हैं ना, काफी सारे कलर थे। वो देखो वहां जाके बैठ गई छत पे, वो दिख रही होगी आपको वो लेंटर पे। तो शाम के वक्त कुछ नए नए परिंदे बहुत से यहाँ पे आते हैं, जरूर आते हैं। तो ये गुटकने लग गया जी, कबूतरी अभी तक नहीं बैठी हुई है जहाँ पे, मैंने नीचे ही रख दिया इनके लिए जो है रोटी को, मैंने चलो खा लेंगे। अब यहाँ पे गंदा सा हो जाएगा, चलो मैं अगर खाएंगे ठीक है, नहीं तो मैं साफ कर दूंगा। कबूतर ये देखो गुटक रहा है, लो जी। तो खुशखबरी मिल गई है दोस्तों, बस ये सोचता हूँ कि इस बार जो एग वो फर्टाइल हो, यानी कि वो पूरी तरह से ठीक हो, जिसमें से चूजा बच्चा निकलने पाए। बाकी मोरनी को देखता हूँ आएगी कि नहीं, आती है तो चाउमीन खा ली है, रोटी भी खा ली है, तो इसमें थोड़ी सी रोटी है बची हुई मोरनी के लिए, मैं यहाँ रखता हूँ, क्या पता बच्चों को खिला दे, क्योंकि ज़मीन से खाना पसंद है इनको, खोद में खोद खोद करके। आ जा, ये देखो जी अपनी तरफ से कोशिश करती है और बच्चे नहीं आ पाते, इसको पता है। ले मोरनी, आ जा आ जा आ जा मोरनी, आ जा। लो जी फिलहाल ये हो चुका है सारा का सारा ख़त्म, लो। तो अब तक बोने को भी खोल देता हूँ, ब्लैक ब्यूटी हमारी बोने को, और ब्लैक ब्यूटी को भी आ जाएंगे बाहर, ये भी घूम फिर लेंगे। शाम का वक्त है, तुम भी आ जाओ, हवा ठंडी हवा के मज़े लो। चलो भाई, हवा तो खैर बीच बीच में आ रही है, अदरवाइज तो अभी तक तो रुकी हुई थी। लो तो मेल अभी बाहर आने के लिए सोच रहा है, आएगा 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 आई थिंक। लो जी आ गया जी मेल बाहर, फीमेल वहाँ पे है। वो चूज़ा गिर गया चूज़ा गिर गया, ये कल भी ऐसा ही हुआ जी, मोरनी पैरों को ऐसे ऐसे जैसे कुछ चलाती है, जैसे खोदने की कोशिश करती है, कल भी इसने चूज़ा पैर से नीचे फेंक दिया। लो जी आ गई बच्चे के पीछे, अब बाकी के बच्चे ऊपर चिल्लाने लगेंगे, चल मोरनी इधर चल। तो बाकियों को भी मैं छोड़ ही देता हूँ दोस्तों, ये देखो जी एक दो बड़े तेज़ हो गए हैं, ये देखो बिल्कुल येलो कलर है, पंख भी आने लग गए हैं बच्चों को। ले 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 मोरनी ले, गुस्सा ना कर तू। ये देखो ये देखो एक ये बड़े, ये देखो जी कितने प्यारे चूजे हैं हमारी मोरनी के। तो मैं छोड़ देता हूँ मोरनी, जो है गुस्सा ना हो जाए, खा ले मोरनी। चलो तो ये इस तरह से जी, कल भी मैंने देखा मिट्टी में खोद खोद के ना चूजों को कुछ खिलाने की कोशिश करी, और बच्चे भी मैंने वहीं पे मिट्टी के अंदर यहाँ पे दलिया डाल दिया था, तो बच्चों ने बड़े शौक से खाया। अभी आप देखेंगे पेट इनका भरा हुआ है वैसे तो। ओए कहाँ फंस गया, ये देखो जी इसके काम देखो कहाँ फंस गया ये। हाँ क्यों 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 परेशान क्यों कर रहे हो उनको। लो जी सारे के सारे गुटक रहे हैं, तो ये फीमेल है दोस्तों और वो मेल है। लो जी करो पास से शौक करो जी, बिना पकड़े इनका, बड़े प्यारे लगते हैं देखो, जोड़ा का जोड़ा हमारा। और दोस्तों मैंने कल जो है इसके पर कट कर दिए, आप देख रहे होंगे कल ये उड़ रही थी, कलियाँ जो है इसकी तीन चार कली आ चुकी थी नहीं पूरी तरह से, ये बच्चा भी उड़ने की कोशिश करने लग गया जी। तो इसके भी आ चुके हैं जी, शुरू की एक आध कली और आ गई है, तीन तीन चार चार कली हो चुकी हैं, तो ये भी अब उड़ने की कोशिश कर रहा है, पर ये बच्चे इतने एक्सपर्ट नहीं है उड़ने के लिए, तो मैं यही सोच रहा हूँ, तो उसके तो मैंने पर कट कर दिए ताकि कबूतरी ना इधर उधर हो जाए, और इतने सुंदर परिंदों को मैं नहीं चाहता हूँ कि हम खो दें। तो फिलहाल इसके पर कट कर दिए हैं, अभी हम जाते हैं जी, इनकी भीड़ आके आए बच्चे आने। ओए ओ तेरी, ओ ले दोस्तों मैं बस थोड़ा सा परे को हुआ। मोरनी नहीं, ये तो मार देगी कबूतर को इस हिसाब से, मेरे को लग रहा है
ये गड़बड़ हो गई थी दोस्तों, अभी आपने देखा होगा, उसके पर ही निकाल दिए बच्चे के, बच गया बस थोड़ा ऊपर ऊपर से जो है पर आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ से काफ़ी सारे, यहाँ देखो। तो इनके पास मेरे को बैठना ही पड़ेगा, इधर की तरफ आने नहीं चाहिए। ये मोरनी थोड़ी सी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ऐसी मोरनी, क्या कर रही तू गड़बड़, कभी मुझे मारती है कभी हमारे कबूतरों को। तो जी इसको अलग ही खोलना ठीक है, देखो बस चली गई ऊपर, तो मैं इसको बंद करके अंदर ही छोड़ देता हूँ। ये नहीं, ये बाहर रहेगी तो कोई गड़बड़ी ना कर दे हमारे और जन परिंदों के साथ। और ये लो जी, करो जी पास से शौक इनका सबका। ये हमारी मोरनी और असील मुर्गे के हमारे चूजे, चार चार ही बच्चे निकले, इतने सारे अंडे थे दोस्तों, पर चलो चार हैं, यही बढ़िया है अपना, स्वस्थ हैं अपना, ठीक है। तो हम यही सोचते हैं कि लो जी ये सारे के सारे मैंने एक साथ उठा लिए। रुक जा मोरनी, छोड़ दिए, चलो तू अंदर ही रह, तू बाहर ठीक नहीं है हमारे कबूतरों के हिसाब से, कहीं पता लगे इसने इसको इनको नहीं मारा अभी, ये तो बहुत ज़्यादा भी चोट लगा देती, चोट क्या अगर ज़्यादा सिर सुर पे मार देती तो कहीं कबूतर ही कोई कुछ हो ना जाता। तो दोस्तों अभी तो बड़ा, मैं इधर तक आया था इस तरफ से, जैसे चलते चलते बोलते बोलते मैं इधर आ गया था यहाँ, और वहाँ पर आपने देखा एकदम से उसने पंख ही खींच के एकदम से निकाल दिए उसके, तो यानी कि असील ब्रीड होती खतरनाक ही है जी एक तरह से, तो ये चीज़ से देख के पता लगता है। इससे देख लेता हूँ इसको मैं, आइयो आ जा। नहीं ठीक है बच्चा, तो कहीं से कहीं कोई चोट वगैरह ऐसी तो नहीं लगी है जी, देख सकते हैं आप। और ये कली नहीं आ रही है, देखो एक नई शुरू में यहाँ पर झाड़ रहा है ये भी बच्चा, तो बेचारे को अभी बाहर, खैर इनके काफ़ी ज़्यादा पर होते हैं तो इस वजह से बच गया, क्योंकि पर की काफ़ी ज़्यादा हैवी फर होता है इनके ऊपर भी, परों की जो परत होती है, तो उसने पकड़ के इस तरह से खींचा तो कुछ पर जो है एक तरह से गुच्छा ही निकल गया, वहाँ भी कुछ पड़े हैं वहाँ भी, तो काफ़ी कुछ। तो लो जी सेंटिनेंट भी हमारे दोस्तों अंडा दे दिया। ओ देखो चूहा, मैं जिसकी बात कर रहा था वो देख रहा हो आपको शायद, चला गया अंदर को, जैसे कुछ खाने को लेके आओ, यही वो चूही है छोटी सी मोस्ट वांटेड चूही, जिसको मैंने कल भी देखा था, यही है वो जो गड़बड़ कर रही है। और जैसे ही दाना रखता हूँ मैं, तो आज कल भी मैंने देखा यहाँ पे, देखो हमारा जो है एक पैकेट जो है यहाँ पे, ये पॉलीथीन बैग जो है ये काटा हुआ है, चूहे ने काट दिया ये, इसके अंदर क्योंकि मैंने दलिया रखा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, आप भी आपने शायद देखी हो कि नहीं। तो ये मैं हटा ही लेता हूँ यहाँ से बर्तन वगैरह, बर्तनों को हटाता हूँ, और कहीं ये इधर आके ना, वो देखो दोस्तों वो दिखी आपको, चुपचाप एक नहीं दो तीन है वो, देखो एक तो यहाँ है दिख रही है, ये ईंट के ऊपर है, और एक अभी ठीक उस तरफ थी वहाँ पे कुछ हलचल दिख रही थी, एक नहीं दो तीन है मेरे ख्याल से, वो देखो वो भाग गई। तो ये चूहों ने यहाँ पे पता नहीं चूहे कहाँ से आ गए जी, छोटे छोटे से चूहे हैं ये, अनाज के चक्कर में आ गए हैं। तो मेरे को जो है डब्बा बंद, जो हमारा ये बड़े वाला डब्बा, इसी में मैं सारा कुछ रख के जाऊँगा कि ये जो है कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें यहाँ पे, चूहे खाएँ और कोई प्रॉब्लम आ जाए, या हमारी बीमारी वगैरह किसी तरह की बर्ड के सेटअप में, तो साफ़ सफाई का इसलिए ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जी। अंडे को छोड़ के हमारे सेंटिनेट दोनों बाहर है, अब देखते हैं जी, अंडा तो दे दिया इन्होंने, तुम जाते क्यों नहीं हो अंदर हैं, तो अंडा छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं जी। तो ये जी हमारी प्यारी सी पेट्स फैमिली दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप सबका भी शौक अच्छा चल रहा होगा, तो बाहर खुले में बड़े प्यारे लगते हैं, देखो जी केज में तो बहुत बार देखा। ये लो जी ऊपर चढ़ गया हमारा बौना, अब शायद कुकड़ू कू करे, ये इसकी आदत है रोज की। ये लो जी मोशन बना रहा है देखा दोस्तों आपने, ये इसलिए चढ़ता है, आप देखना बड़े अंदाज से नीचे उतरेगा, एकदम जंप मारेगा बड़ी मस्ती में। यहां पर खड़ा होके, इसके ऊपर चढ़कर खड़ा होके ऐसा लगता है कि जैसे ललकार रहा हो जी। हाँ ये देखो बड़े एटीट्यूड के साथ जंप मार के नीचे आता है, और हमारी ब्लैक ब्यूटी तो बड़ी ये शरीफ है बच्ची, ये किसी को कुछ नहीं कहती, इवन इसकी तो आवाज़ भी नहीं आपने सुनी होगी दोस्तों। तो ये हमारी ब्लैक ब्यूटी और हमारा बोना। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का शौक भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, और आपके परिंदे आपका बर्ड्स का सेटअप इस गर्मी के मौसम में, भगवान से प्रार्थना है आप सबके परिंदे आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें। तो मिलते हैं जल्द ही एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए